Hi guys, welcome back to my channel and to my new viewers. It would mean a lot to me if you would spare a second and subscribe to my channel. और जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं और मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, thank you so much for watching my channel और मुझे इतना प्यार देने के लिए. So as you all guys love haul videos, so I am again now with Meesho haul video. और आज वापस से मैं आपके लिए Meesho tops लेकर आई हूँ, t-shirts लेकर आई हूँ, which you will आप अगर उनको पसंद करते हैं और अगर आपको वो पसंद आते हैं तो आप Meesho app पे जा सकते हैं. सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, अगर आपको पसंद आए तो आप बाय भी कर सकते हैं. सो हियर द फर्स्ट वन विच आई गॉट, दीज आर बैगी टी शर्ट्स और ये बहुत लॉन्ग है, लूज है और बैगी टी शर्ट्स ऑलरेडी इतनी इन है, सबको इतने पसंद आती हैं और बहुत कंफर्टेबल होती हैं, आपको एकदम कूल वाइब देती है. तो मैंने भी कुछ मीशो से बैगी टी शर्ट्स ऑर्डर करी हैं. बेसिकली ये हॉल वीडियो जो है इसमें बहुत सारे आपको टी शर्ट्स मिलेंगी एंड कुछ टॉप मिलेंगे. तो मोस्टली मैंने जो भी ऑर्डर करी है वो सारी बैगी टी शर्ट्स ही हैं. सो दिस इज द वन ऑफ देम एंड यू नो आई एब्सोल्युटली लव द प्रिंट. यू कैन सी इसका प्रिंट बहुत अच्छा है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है एंड इसका कलर तो ब्लैक है, तो ब्लैक इज लाइक एवरीवन्स फेवरेट, सबको ही पसंद आता है ब्लैक कलर. और आई लव द प्रिंट, आई लव द फैब्रिक एंड इट्स लाइक थम्स अप टू द फर्स्ट प्रोडक्ट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टी शर्ट इज दिस मस्टर्ड येलो कलर का टी शर्ट. इसमें यहाँ पे ऐसे डिज्नी के कैरेक्टर बने हुए हैं. प्रिंट नो डाउट अच्छा है, उसका प्रिंट ज्यादा बेटर था, इसका प्रिंट नॉर्मल है. आई गेस बहुत ज्यादा हार्डली वॉश करेंगे तो हो सकता है इसका प्रिंट फेड हो सके, बट द मटेरियल इज रियली रियली नाइस. इट्स अ कॉटन मटेरियल और इसका फिटिंग भी बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा बैगी नहीं है. इट विल कम अप टू यू नो योर वेस्ट के अकॉर्डिंग की आएगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं आएगा और बहुत लूज भी नहीं है. मैंने साइज एम मंगाया था बट आई रियली लाइक द फिटिंग, आई लव द मटेरियल और प्रिंट भी बहुत क्यूट है एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट. कलर भी इसका बहुत अच्छा है एंड इट्स अ नॉर्मल टी शर्ट, तो टी शर्ट्स तो यार हमेशा ही अच्छी लगती हैं. सो या, और इसका जो ब्रांड नेम है वो भी मैं आपको बता देती हूँ. तो इट्स अ पॉपस्टर और साइज मैंने एम मंगाया था. नेक्स्ट टी शर्ट इज दिस येलो कलर का टी शर्ट, इसमें मिक्की माउस का प्रिंट बना हुआ है एंड मटेरियल इज रियली गुड. और ये वही ब्रांड है जो इस टी शर्ट का ब्रांड था, वही ये ब्रांड है. इसका मटेरियल बहुत अच्छा है बट इसका वही प्रिंट का इशू है, ऐसा लग रहा है जैसे प्रिंट कहीं कहीं से ऐसे फेड हो रहा हो. अदर देन दैट इसका साइज मैंने एम मंगाया था एंड इट्स वेरी लूज टू मी. आई मीन शायद मुझे स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल ही फिट आ जाता. अगर आप मीडियम पहनते हैं तो आप स्मॉल मंगा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लूज है और ये जो मीडियम साइज है आराम से एल वालों को आ जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट इसका स्टाइलिंग बहुत अच्छा है, इसमें ऐसे साइड में से ऐसा कट दिया हुआ है, सो इट्स लाइक यू नो गिव्स यू अ वेरी गुड फिटिंग और पहनने के बाद बहुत स्टाइलिश लग रहा था. बट पिक्चर में दिखाया था कि ये एक बैगी टी शर्ट है बट जो मुझे रिसीव हुई है ये बैगी टी शर्ट नहीं है. पहनने के लिए इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, अगर आप घर में पहनने के लिए अच्छे टी शर्ट्स मंगाना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं. इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर्स भी थे, मैंने एक कलर येलो मंगाया था और आप चाहें तो आप कोई और कलर भी मंगा सकते हैं, हो सकता है प्रिंट डिफरेंट हो. सो या, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस टॉप. इस टॉप को मैंने पहना था तो मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आई थी, ये इतनी अच्छी फिटिंग दे रहा है और इसका जो स्टाइलिंग है वो भी अच्छा है, इसका नेक भी बहुत अच्छा है. इफ आई टॉक अबाउट द मटेरियल, इट्स रिप्ड मटेरियल, इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट और ये जो जैसे बेसिक टी शर्ट्स होती हैं वैसे ही बेसिक टॉप्स होते हैं, वैसे ही बेसिक टॉप है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्लीव्स, इसके स्लीव्स पे ऐसी ये डिटेलिंग की हुई है तो यहाँ पे ऐसा पफ जैसा आता है विच गिव यू वेरी क्यूट लुक एंड ये बहुत ही अच्छा है. आई मीन मटेरियल नो डाउट इसका इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है. और फिटिंग की बात करूँ तो ये आराम से स्ट्रेचेबल है तो आराम से फिट हो सकता है. लाइक दिस इज स्मॉल और स्मॉल मैंने लिया था तो ये मीडियम वाले आराम से पहन सकते हैं. तो इट्स लाइक अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप बेसिक टी शर्ट में कुछ ढूंढ रहे हैं. द कलर एंड द मटेरियल इज लाइक अमेजिंग, थम्स अप टू दिस. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस रेड टॉप और ये टॉप
बहुत ही प्रिटी लग रहा था पहनने के बाद। इसका ये जो नेक है वो बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे ऐसे इसमें डिटेलिंग दी हुई है, आप देख सकते हो ऐसे डिटेलिंग दी हुई है। नीचे भी इसमें ऐसा कॉच सेट वाला लुक दिया हुआ है विच कम्स लाइक ऐसे वी करके। स्लीव्स इसकी ऐसी है, लॉन्ग स्लीव्स हैं और यहाँ पे भी ऐसी इसमें व्हाट डू वी कॉल इट इलास्टिक दी हुई है। कॉर्सेट टॉप जैसे ही है, जैसे कॉर्सेट टॉप्स होते हैं वैसे ही है। पीछे से इट्स लाइक प्लेन, सामने से ऐसा लुक दिया हुआ है। पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। एंड इफ आई टॉक अबाउट मटेरियल थोड़ा सा इसका मोटा है आई वुड से। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गर्मी लगेगी, बट अगर आप नॉर्मल फुल स्लीव टॉप कैरी कर सकते हो तो आप आराम से इसको कैरी कर सकते हो। इसका लुक बहुत अच्छा, इसका कलर बहुत अच्छा है एंड ओवरऑल इसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। आई विल हाईली रिकमेंड दिस एंड या इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। साइज एम लिया है एंड एम मुझे फिट है, लेकिन शायद मैं एस लेती तो एस भी मुझे एकदम फिट आता। एम थोड़ा सा लूज है, तो अगर आप एस पहनते हैं तो एस ही लीजिए, एक साइज बड़ा मत लीजिए। और मीशो में ये चीज आपको फील होगी, ये तो है यार, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ना स्मॉल लेते हो तो कभी हो सकता है आपको टाइट हो, और कुछ प्रोडक्ट अगर आप एम लेते हो सकता है कि फिट हो। तो मतलब साइजेस फ्लक्चुएशन है, तो आपको वो मंगाने के बाद ही पता चलेगा। कॉर्सेट मैंने मंगाया था और इसका प्रिंट बहुत अच्छा था, पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें एक पैंट और एक शर्ट है, बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द मटेरियल। इट्स नॉट रियली यू नो, बहुत पॉलिस्टर मटेरियल है। और जैसे आप लोग याद है स्कूल में जो हम लोग की स्पोर्ट टी शर्ट्स होती थी, जो हम कलर टी शर्ट पहन के जाते थे वेडनेसडे को, इसका मटेरियल एकदम वही स्पोर्ट टी शर्ट जैसा है। आई मीन टू मच पॉलिस्टर। और मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा, बट इसकी फिटिंग भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, बहुत ही लूज था। मैंने साइज एम मंगाया था, मुझे बहुत बहुत लूज हो रहा था। स्लीव्स पे से भी आप देख सकते हो बहुत लूज हो रहा था। सो या, तो इट्स लाइक पैंट आया था एंड एक शर्ट आई थी एंड एक बेल्ट था, बट आई एम नॉट रियली हैप्पी विद द मटेरियल और फिट, तो मैं तो ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी, मतलब विल नॉट रिकमेंड दिस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, एक सेकेंड सीधा कर लूँ। एक्चुअली ट्राई ऑन किया था, ट्राई ऑन के बाद सीधा नहीं किया था। हाँ, सो मूविंग ऑन टू दिस अमेजिंग वाइट कॉर्सेट टॉप, इट्स अमेजिंग अकॉर्डिंग टू द प्राइस गाइज। आई विल हाईली 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 रिकमेंड दिस। पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। ये पीछे से ऐसा क्रॉप है, सामने से ऐसा कॉर्सेट, इट्स लाइक अ प्रॉपर कॉर्सेट टॉप। और वाइट कलर तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। इसमें पीछे ऐसी जिप लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, एंड सामने भी इसमें बहुत अच्छी डिटेलिंग की हुई है। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी थी। मैंने वही सारे प्रोडक्ट का साइज मैंने एम मंगाया था, मुझे ये लगा था कि हो सकता है शायद मुझे सही आएगा एम, स्मॉल छोटा आएगा, बट सारे प्रोडक्ट्स मुझे कहीं ना कहीं से लूज है। तो ये वाला जो साइज है, आपको जो साइज है वही मंगाइएगा, ये मीडियम साइज वालों को एकदम परफेक्ट आएगा। और मुझे शायद स्मॉल मंगाना चाहिए था, तो या सो इट्स लाइक ब्यूटिफुल टॉप। इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, इसकी स्टाइलिंग बहुत अच्छी है एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस इट्स अमेजिंग 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 प्रोडक्ट, एब्सोल्यूटली लव इट। तो अगर आई रिकमेंड दिस वन, इफ यू लाइक दिस प्रोडक्ट यू कैन गो चेक द कोड एंड बाय दिस, इट्स लाइक वर्थ बाइंग वाला टॉप है ये। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टी शर्ट, जो मैंने पहन चुका है 2 से 3 बार और अब ये कुछ ऐसी हो गई, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मीशो के कपड़े धुलने के बाद कैसे लगते हैं। तो ये मैंने बहुत ही क्यूट लेवेंडर कलर का टी शर्ट मंगाया था। इट्स ऑल्सो बैगी टी शर्ट, लूज टी शर्ट, ओवर साइज टी शर्ट, आप जो भी बोलते हो, पहनने पे बहुत अच्छा लग रहा था। बट वही है, इसका प्रिंट ऐसा डोनाल्ड डक बना हुआ है। इसमें धुलने के बाद इसका प्रिंट थोड़ा सा क्रैक और फेड हो रहा है। मटेरियल अच्छा है, इट्स रियली गुड, इट्स रियली सॉफ्ट। मैंने साइज एम मंगाया था, मैंने साइज स्मॉल मंगाया था और ये स्मॉल ही बहुत ओवर साइज है। और तो अगर आप स्मॉल पहनते हो और ओवर साइज टी शर्ट मंगा रहे हो, डोंट गो फॉर साइज एम, गो फॉर साइज एस, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही बैगी है। इट विल कम अप टू योर थाइज। मटेरियल बहुत अच्छा है, प्रिंट बहुत क्यूट है, बट वही है कि धुलने के बाद हल्का सा फेड हो रहा है। सो ये तो एकदम जेन्युइन रिव्यू हो गया आप लोगों को, कि मैंने आपको कपड़े धुलने के बाद भी बता दिए कि कैसे होते हैं।
बट या इट्स अ गुड टी शर्ट घर में पहनने के लिए एकदम बहुत अच्छा ऑप्शन है एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस बहुत सही है. अगर आप वही मार्केट में वही जाओगे मिंत्रा पे आजियो पे या किसी और एप्लीकेशन पे तो आपको यही वही 700-800 के आसपास मिलेगा. बट द डील यू आर गेटिंग हियर इट्स लाइक वर्थ. और अगर आपको घर में पहनने के लिए चाहिए तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, यू कैन गो फॉर इट. सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो. और मैंने जो भी प्रोडक्ट के रिव्यूज दिए हैं वो एकदम जेन्युइन रिव्यूज थे. Some of them I will definitely keep and some of them I'll return because मुझे उनका material या size में जो भी issue है. But yeah, Meesho is a good option अगर आपको सस्ते कपड़े चाहिए and आपको styling भी चाहिए और variety भी चाहिए और trendy tops भी चाहिए तो आपको बहुत easily available हो जाता है. That's it for today's video. I hope you like the video. If you like the video, please hit the like button. और channel पे नए हो तो please subscribe कर दीजिए and keep loving, keep supporting. Thanks for watching. Love.